ये उस वक्त की बात है जब बुराई के काले अंधेरे इस धरती को घेर रहे थे। तब उम्मीद की एक किरण ने एक बच्चे के रूप में बादशाह यमन के यहां जन्म लिया। ये शहजादा कमजोरों की हिफाजत के लिए चुना गया था। नेकी की ताकतों ने इस शहजादे को शैतानी ताकतों को खत्म करने के लिए भेजा था। बादशाह सलामत, फकीर बाबा आ रहे हैं। मल्लिका यमन, बादशाह यमन, आप बहुत खुशनसीब हैं। आपके घर में एक इंसान के रूप में फरिश्ते ने जन्म लिया है। आपके घर का यह चिराग एक ऐसा सूरज बनेगा जिसकी रोशनी से बुराई के सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। ये बच्चा नेकी और अच्छाई की सारी ताकतें लेकर पैदा हुआ है। ये दुनिया को इंसानियत का पैगाम देगा। ये जरूरतमंदों की खिदमत करेगा और दानी होगा। हम इसका नाम हातिम रखते हैं। वजीर खास, हुक्म हुजूर। आसपास की सभी छोटी बड़ी रियासतों में शहजादे हातिम के जन्म की खुशखबरी भेज दी है और मुल्क जफ्फार के बादशाह को इस खुशखबरी के साथ हमारे शुभ संदेश भी भेजा जाए कि उनकी मलिका की सेहत के लिए हम और हमारी मलिका हमेशा दुआ करें। और हमारी एक ख्वाहिश है कि वहां से भी हमें बहुत जल्दी ऐसी खुशखबरी सुनने को। जफ्फार के महल में ये क्या हो रहा है? ये क्या किया ऊपर वाले ने? मल्लिका जफ्फार के यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। अल्लामा,
आप तो सितारों की चाल को जानते हैं, क्या शाही हकीम बच्चे को बचा लेंगे? बादशाह सलामत, हकीम कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। ऐ बुराई के बादशाह, यही मौका है, जा जाकर उस बच्चे के शरीर में समा जा, जा समा जा, ये बच्चा बड़ा होकर तेरी हुकूमत को सारी दुनिया में फैलाएगा और तेरा नाम रोशन करेगा। जा समा जा शहजादे के जिस्म में और उसमें शैतानी रूह घुस दे। क्या हो गया? लगता है बेहोश हो गई। नजमी, जी मेरे आका, ये बच्चा आपका नहीं है, आपका बच्चा तो मर चुका है, ये बच्चा शैतान है, ये शैतान का बच्चा है बादशाह। इस बच्चे का इस महल में आना जफ़ार की तबाही और बर्बादी की तरफ इशारा करता है। बादशाह जफ़ार, अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो शैतानी ताकत से इतना ताकतवर बन जाएगा कि सारी दुनिया इसके कदम में होगी, अच्छाई का नाम निशान मिटा देगा, ये सारी दुनिया पर इसके जुल्म की हुकूमत होगी। ये शैतान है बादशाह, ये शैतान। अलामा, उस तबाही को रोकने का कोई तरीका? इस बच्चे की मौत। लेकिन बादशाह हुजूर, मल्लिका इस बच्चे के बाद कभी मां नहीं बन सकेंगी। बादशाह, इस बच्चे को खत्म करना ही होगा और इसका दिल निकाल कर चला देना होगा ताकि शैतान की निशानी जड़ से खत्म हो जाए।
नजुमी। जी आका। इस बच्चे को ले जाओ और इसका तिल निकाल कर ले आओ। जो हुक्म आका। मैं इसे सारी दुनिया का शैतान बनाऊंगा, सारी दुनिया का शैतान। ताला। जाओ, जाकर जंगल से एक खरगोश लेकर आओ और उस खरगोश का दिल निकाल कर लाओ और बादशाह को जाकर ये खबर सुनाओ कि उसके बच्चे को इस दुनिया से वापस भेज दिया गया है। जो हुक्म मेरे आका। अल मर्दूद। नजमी, ये तुम क्या कर रहे हो? बादशाह को खरगोश का दिल भेजकर तुम अपने बादशाह से धोखा कर रहे हो। अल मर्दूद, जो बादशाह इतना बेवकूफ है कि अपनी खुशकिस्मती को बदनसीब भी समझे, उसका साथ देना अपने साथ धोखा करना। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बच्चा बड़ा होकर सारी दुनिया को तबाह कर देगा। आपने ये भी तो कहा था उस्ताद कि ये बच्चा सारी दुनिया पर राज कर सकता है, तो क्या बादशाह सारी दुनिया पर इसके जरिए राज नहीं कर सकता है अगर वो दूर की सोचे तो? लेकिन वो दूर की सोचता ही नहीं है। समझा, तुम दूर की सोच रहे हो। चेला किसका हूं? आपका। लेकिन जब बादशाह चाहता है वो मैं नहीं करूं। यह बच्चा जिंदा रहेगा और यहीं पर इसी महल में मैं इसे बड़ा करूंगा। मैं इसे उन सभी शैतानी ताकतों से मैं घुस कर आऊंगा जिससे दुनिया के सारे तहत शैतान से डरेंगे और ये सारी दुनिया का बादशाह बन जाएगा। और मैं आपका चेला सबसे बड़ा इस दुनिया का ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। नजुमी। अल मर्दूद। नजुमी। अल्लाह उस्ताद।
आज बड़े भारी मन से उस्ताद मुझे आपकी जगह इस दरबार में लेनी पड़ रही है और राजा के बेटे के मौत के साथ साथ आपकी मौत की खबर भी तो सुनानी पड़ेगी ना मुझे। शैतान, ये बच्चा तेरी मर्जी से इस दुनिया में आया है, इसे इतनी ताकत दे कि ये सारी दुनिया में तेरा नाम रोशन कर सके। इसे कबूल कर। तेरे साये में आना चाहता है, इसे अपनी सारी ताकत इसे दे दे, इसे शैतान बना दे, इसे कबूल कर, इसे कबूल कर, इसे शैतान बना दे, इसे शैतान बना दे। शहजादा हातिम की परवरिश नेकी और भलाई के साय में हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जफ्फार में दज्जाल नजूमी के दिखाए हुए शैतानी रास्तों पर चल रहा था और धीरे धीरे नजूमी बादशाह जफ्फार के सभी वफादार साथियों को मारता गया और जफ्फार तबाह होता चला गया। बादशाह सलामत, मुल्क के जफ्फार में दुर्दशा देखकर आपके सभी साथी गद्दार हो गए हैं और यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं भागा, मैं आपका वफादार हूँ।
फल मर्दू। हातिम, हातिम बेटे, हातिम कहाँ हो मेरे शहजादे? मलिका यमन, शहजादा हातिम महल में नहीं है। तो कहाँ है वो? कहाँ जाएगा, हमेशा की तरह घुड़सवारी के लिए गया है। क्या समझती हैं आप अपने आप को? बहुत दिलेर हैं आप। दुनिया में किसी चीज का डर नहीं आप? क्या सोचकर बैठी थी आप कि आप पर कोई हमला नहीं कर सकता? मैं नहीं समझता कोई लड़की इतनी बेवकूफ हो सकती। ये तो कहते हैं कि बिना अपने साथी या रक्षक के घर से अकेले बाहर निकलना मुसीबत को दावत देना है। मैं घर से अकेले नहीं निकली थी, मेरे साथ मेरी सहेलियां और मेरा अंगरक्षक भी था। तो वो सब कहाँ गए? मैं रास्ते में भटक गई तो वो सब मुझसे अलग हो गए, इसीलिए वो बदमाश मेरे पीछे पड़ गए थे। ठीक है ठीक है, रोहिम आपको तो चोट लगी, ठहरिए आप।
क्या नाम है आपका? जैस्मिन। क्या आप ही परिश्रम की राजकुमारी जैस्मिन? और आप? आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। मैं यमन का शहजादा हातिम हूं। और शायद आप इस बात से अनजान हैं कि बादशाह यमन और बादशाह परिस्तान दोस्त हैं। और हम दोनों की शादी की बात चल। इसीलिए आप मदद के लिए चले आए। ये अंगरक्षक सब कहां था तो जस्मिन पर हमला हुआ था। तुम बीच में आ गए वरना जैस्मिन को बचाने हो वो जरूर आता। आते जरूर आते आप, लेकिन तब तक वो लोग जैस्मिन को उठा ले गए होंगे। होते हुए किसकी हिम्मत? तुम होबो का मजाक उड़ाते हो? तुमने समझ के क्या रखा है होबो को? पिछले 1000 साल से परिस्तान के राज घराने का अंगरक्षक होबो। तलवार नीचे करो। क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये शहजादे यमन, इन्होंने मेरी जान बचाई। माफी मांगो इनसे। नहीं, होबो माफी नहीं मांगेगा। होबो, होबो, नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। बस, 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 बस। गलती हमारी है, हम आपसे माफी मांगते हैं। जैस्मिन को हमने नहीं, आपने। नजूमी, आपने शाही दरबार की तौहीन की है। आपने बादशाह सलामत के आगे सर नहीं झुकाया। रस्सी चढ़ गई, बल नहीं गया। नजूमी, अल मर्दू, मलिकाए जफ्फार, मैंने बादशाह जफ्फार को जब तक वो तख्त पर बैठे थे जितनी इज्जत देनी थी उतनी दी। नजूमी, मैं शाही नजूमी हूं, अपना फर्ज नहीं भूलता। हर रोज दरबार में आने से पहले मैं सलाम करता हूं, और आज भी दरबार में आने से पहले मैंने सलाम किया है, और आज आप सबको सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि जफ्फार का असली बादशाह आ रहा है। आज आप सबको सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि जफ्फार का असली बादशाह आ रहा है। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जफ्फार के बादशाह हम हैं। आपने इस तख्त पर उसी दिन अपना हक खो दिया था जिस दिन आपने अपने बेटे को शैतान मानकर मार डालने का हुक्म दिया था।
लेकिन मैंने आपके बेटे को मारा। क्या मेरा बेटा जिंदा है? चौबीस साल तक मैंने आपके बेटे को इसी राज्य में पाला, बड़ा किया, आप लोगों से बचाकर और शैतानी ताकतें इकट्ठी करके उसकी मदद की, और आज आज वो यहां पर बादशाह बनने आ रहा है। इसलिए बादशाह जफर तख्त खाली कर दो। नजूमी, बादशाह सलामत, सुना आपने, मेरा बेटा आ रहा है। मेरा बेटा आ रहा है। हाँ मलिका जफ्फार, ये वही बेटा है जिसको मेरे उस्ताद ने बादशाह से मौत मांगी थी। ये वही बेटा है जिसको शैतान समझकर धुतकार दिया गया था, और ये वही बेटा है जिसका दिल निकाल कर जला देने का हुक्म दिया गया था। आज वही इस तख्त का बादशाह बनने आ रहा है, जफ्फार का बादशाह। सुना आपने, मेरा बेटा आ रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो नजूमी। तो फिर सच क्या? वो देखो, तख्त खाली हो, सिपाहियों गिरफ्तार करो इसे। तख्त खाली हो वरना हम तुम्हारा सर काट लेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं इस तख्त को शैतान के हवाले नहीं करूंगा। बुराई कभी अच्छाई पर जीत हासिल नहीं कर सकती।
दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बनने का मेरा सफर आज से शुरू होता है। शादी? लेकिन क्यों? पूरी दुनिया में राज करने के लिए तुम्हारी ताकत काफी नहीं है। शैतानी ताकत हासिल होने के साथ साथ तुम्हें अच्छाई की ताकत भी हासिल करनी पड़ेगी। वो कैसे? तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जिसका हर ख्याल नेक हो और जिसका हर कदम अच्छाई के लिए उठता हो। लेकिन वो लड़की मिलेगी कहाँ? राजकुमारी सुनैना दुर्गापुर की, इसमें सारी दुनिया की अच्छाइयां मौजूद हैं। तो ठीक है, मैं इससे शादी करूंगा। शादी जोर जबरदस्ती से नहीं, सुनैना की मर्जी से होनी चाहिए। अगर तुम उसे मजबूरन इस महल में ले भी आए तो वो अपनी सब अच्छाइयां पीछे छोड़ कर कहां जा रहे? राजकुमारी सुनैना की मर्जी जानने।
मुझे आशीर्वाद दीजिए दीदी। वीर बनो, कर्मवीर बनो, संसार को तलवार से नहीं प्यार से जीतो।